अभी मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूं और पूछूं, एक महिला को खड़ा करूं पूछूं कि माया क्या है, पुरुष से पूछूं तो कहता है धन माया है, घर माया है, ये गाड़ी वाड़ी सब जमीन जगह माया है, ये औरत माया है। ये अगर स्त्री माया है तो पुरुष तो मायापति है, स्त्री का पति है ना, तो मायापति हो गया। और ये मायापति है तो तुम भी माया, ये भी माया, तो और माया क्या है? याद रखना, धन माया नहीं है। आज तक जिसको तुम माया मानते थे, आज परिभाषा बदल जाएगी। ना स्त्री माया है, ना पुरुष माया है, ना धन माया है, ना जमीन माया है, ना घर द्वार माया है, ना सामान माया है, तो फिर माया है क्या? तुम्हारा मन माया है। जब तुम्हारे मन में धन के प्रति लोभ आ जाता है, धन का अभिमान आ जाता है, यह अभिमान और लोभ ही माया का असली रूप है। काम और क्रोध ही माया का असली रूप है, अभिमान और ईर्ष्या ही माया का असली रूप है। धन तो जिंदगी की जरूरत है और गृहस्थ आश्रम में नर नारी का संगम है, ये माया नहीं है। जब तुम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और अभिमान में फंस जाते हो, असली माया का जाल तो यही है। इस माया के जाल को तोड़ने के लिए सत्संग के ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है। धन तो सबके पास है, लेकिन जिनको धन के प्रति लोभ है तो समझो माया में फंसे। किसी के 200 रुपए गिर गए, तुमने पा लिया, उठा लिया, आकर अनाउंस करा दिया कि किसी का 200 रुपया गिरा है ले लो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। और किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने उठा लिया, जेब में रख लिया, चुपचाप धर लिया, किसी को नहीं बताया, घर लेकर चले गए, खुश हो रहे हो कि 200 रुपये मिल गए, तो तुम समझो माया के गुलाम हो और माया में फंस चुके हो, क्योंकि तुमको लोभ आ गया है। ये लोभ ही माया का असली रूप है। जब तुम लोभ को जीत लेते हो तो तुम माया जीत हो जाते हो, और जब लोभ में फंस जाते हो तब तुम माया के गुलाम हो जाते हो। आप कार में चलते हो, ये गाड़ी घोड़ा माया नहीं है, लेकिन गाड़ी का अभिमान माया है। अगर गाड़ी में बैठकर ऐंठ आ रही है कि मेरे पास गाड़ी है, तो समझ लो माया के तुम गुलाम। गाड़ी की क्या जिंदगी है, एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाए, न गाड़ी रहेगी, न गाड़ी में बैठने वाले रह जाएंगे, क्या अभिमान करते हो। किसी गाँव में एक शिक्षक था, वो जब मोटरसाइकिल पर चलता था या साइकिल पर चलता था तो थोड़ा गर्दन ऐंठ कर चलता था, तो गांव के लोग बहुत दुखी होते थे। तो मेरे से गांव के लोगों ने बताया कि ये गर्दन ऐंठ कर चलता है, तो हमने कहा अपनी गर्दन ऐंठता है कि तुम्हारी ऐंठता है, तो बोले अपनी ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है फिर, बोले हमें दिक्कत है, हम देख नहीं सकते, सह नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर उसकी गर्दन तरफ नज़र क्यों डालते हो, मत देखो, बोले सामने निकलता है तो नज़र पड़ ही जाएगी। तो हमने कहा तो तुम्हें तकलीफ क्या है, बोले अहंकार दिखाता, अकड़ दिखाता, गर्दन ऐंठ कर चलता। तो हमने कहा तो इरादा क्या है, बोले कभी दांव मिलेगा तो हम गांव भर मिल के इसकी गर्दन पूरी ऐंठ देंगे। अहंकार दूसरा आदमी देख नहीं सकता, सह नहीं सकता है, लेकिन नम्रता सबको प्रिय होती है। मैं निवेदन करूंगा विनम्र, बच्चे को सभी गोद उठाना चाहते, क्यों? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है, इसलिए बच्चे को गोद में लेते हैं। मैना पंछी, उसका नाम है मैना, मैना का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं हूं, तो उसको लोग पिंजड़े में पाल कर दर्शन करते, वहीं खिलाते भी। लेकिन बकरी जो मैं करती है, मैं हूं मैं, तो इसका गला काट कर इसको खा जाते हैं। इसलिए अहंकार करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं, और अहंकार को छोड़कर विनम्र जीने वाले लोग सबको पसंद आते हैं। महाराज श्री राम की विनम्रता, दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज ऋषि को। भरद्वाज पूछते हैं आपका परिचय क्या है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूँ, अविद्या से आया हूं। अच्छा तुम राम हो, नाम सुन चुका हूं, ये साथ में और कौन है? ये मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण मेरा भाई है,
और ये नारी कौन है साथ में? ये मेरी भार्या सीता जी है, ये मेरी भार्या है। भार्या शब्द का प्रयोग किया है। शब्द कहाँ, क्या, कब, कैसे बोलना चाहिए, शब्द का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मैं निवेदन करूंगा, घर में पहली बात कम बोलना चाहिए, दूसरी बात घर में दूसरों की भी सुनना चाहिए, तीसरी बात अपने घर में थोड़ा समय भी देना चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम 24 घंटे में मुकेश अंबानी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, एक घंटा शाम को रात में और एक घंटा दिन में अपनी फैमिली के ऊपर देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, बात करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में थोड़ा शांति ज़्यादा रहती है। समय दीजिए अपने बच्चों के लिए भी, अपनी वाइफ को भी समय दीजिए। इतना धन कमाने की धुन भी न लग जाए कि वाइफ से मिल ही न सको। जिनके लिए धन कमा रहे हो जरा उनके पास बैठो भी तो, जिनके लिए धन कमा रहे हो उन बच्चों को जरा संस्कार भी तो दो। जिस परिवार के लिए धन कमा रहे हो उस परिवार के साथ बैठ करके प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी तो करो। कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी हमारे आश्रम पर आए, कहने लगे रात में 7 बजे से 8 बजे तक हमारे घर में 1 घंटे या आधा घंटे का भजन होता है, सभी स्त्रियां भी बैठती हैं, हम चारों भाई बैठते हैं, भतीजे बैठते हैं, बेटा बेटी बैठते हैं, एक एक सब लोग भजन गाते हैं, मिलकर गाते हैं, ढोल बजा कर गाते हैं, और उसके बाद सब साथ में भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। सोचिए, अब उनके पास में करीब करीब 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी की फीस 1.5 लाख रुपये है और 2-2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और वो कितना बिजी रहते होंगे आप सोचो थोड़ा सा, फिर भी समय निकाल कर परिवार के साथ 1 घंटे बैठकर भजन भी करते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, परिवार से बात भी करते हैं। जो व्यक्ति परिवार के साथ नहीं बैठेगा याद रखना उसका परिवार बहुत जल्दी इधर उधर तितर बितर हो जाएगा, नाम का परिवार रहेगा बाकी सब बिखर जाएगा। साथ में बैठिए। मैंने सुना है एक छोटी सी कहानी, मेरे गुरुदेव सुनाते थे कि एक परिवार का मालिक घर में आया, घर का मालिक था, तो उसका छोटा सा बेटा 7-8 साल की उम्र का दौड़ करके उस घर मालिक यानी अपने पिताजी के पैरों में लिपट गया, तो पिताजी ने अपने हाथों से उसको झिड़क दिया, बोले तू हट, मैं बहुत बिजी हूँ और तू बीच में बाधा डालता है। तो बच्चे का मन दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को लिपट गया प्रेम करने के लिए, उन्होंने झिड़क दिया। अंदर जा कर के बेडरूम में वो बच्चा 10 मिनट बैठा रहा और फिर अंदर से आया, पिताजी को 1 गिलास पानी पिलाया और कहा, पिताजी एक बात मैं पूछना चाहिए, कितने रुपये कमाते हो? तो इसके बाप ने कहा, मैं 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ। तो पिताजी, क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? तो क्या करेगा, बार बार पैसा मांगता है। बोले, नहीं नहीं आज दे दो, उधार ले रहा हूँ, अभी तक तो लेता था उधार नहीं लेता था, वापस लौटाने के लिए नहीं, अब वापस लौटाऊंगा। 50 रुपये निकाल कर पिताजी ने दिया। वो बच्चा 50 रुपये लेकर के कमरे में गया और वहाँ उसके पास में एक गोलक था, मिट्टी का गोलक होता ना, कुंभकार लोग बनाते हैं, जिसको रुपया डालते हैं उसमें छेद होता है, उस गोलक को उसने फोड़ा और उसमें से 1 रुपया 2 रुपया रखा था वो सब निकाला, तो गिना काउंटिंग किया तो 50 रुपये निकला। 50 रुपये वो और 50 रुपये जो उधार लिया था, दोनों मिलाकर 100 रुपये बनाया।
और एक थैली में बांध कर लाकर अपने पिताजी के सामने रखा कि पिताजी तुम 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हो, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, 1 घंटे का समय हमको दीजिए, हमारे लिए समय दीजिए, हमसे प्रेम कीजिए, ये 100 रुपये के लिए आप हमको 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं आपको 100 रुपये देता हूँ ताकि 1 घंटा मेरे ऊपर भी खर्च कीजिए। उसका पिता हंसने लगा कि कितनी दूर से इस छोटे बच्चे ने हमको समझाया है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उम्र वालों को समझा देते हैं, कभी कभी बेटियां अपने माँ को भी समझा देती हैं, कभी कभी बहुएं अपने सास ससुर को भी समझाती हैं, और कभी कभी आपकी धर्म पत्नी आपको समझाती है, और कभी आप पूरे परिवार को समझाते हो। याद रखना, ये संसार समझने और समझाने से ही चलता है। अगर समझना आ गया, समझाना आ गया, समझ बूझ आ गई, तो ये संसार सुखद हो जाता है। और समझना समझाना नहीं आया, समझ बूझ नहीं आई, और प्रेम की चर्चा करने का वक्त भी नहीं निकला, आपस में हिल मिलकर रहने की कला नहीं आई, तो घर भले सोने का महल हो लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। परस्पर का प्रेम ही सुख को जन्म देता है, परस्पर का आनंदमय प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए परस्पर में प्रेम पैदा कीजिए, और कबीर को याद कीजिए कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोए। ये 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तो प्रेम के कारण ही तो रहती है। जिस दिन प्रेम टूट जाएगा उस दिन वो गठरी लेकर विदा हो जाएगी और मायके चली जाएगी, और मायके से भी प्रेम टूट जाए तो फिर बनारस चली जाएगी। तुम्हारा जब घर से प्रेम टूट जाता है तो घर छोड़कर तुम चले जाते हो। प्रेम ही आदमी को आदमी से बांध कर रखता है, प्रेम ही संगठन को बांध कर रखता है। प्रेम एक ऐसी डोरी है जिसमें करोड़ों लोग नहीं पूरा वर्ल्ड बंधा रहता है। अब प्रेम के प्रभाव को समझिए। आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही मकान बना लो, कितनी गाड़ियां ले लो, लेकिन अगर परस्पर में राग द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो आपके घर में सुख नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्त विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष होता क्या है इसकी परिभाषा को भी समझो। राग माने होता है चिपक जाना, और द्वेष माने होता वहां से उखड़ जाना। राग माने होता है किसी के मोह में पड़ जाना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेना। जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है, जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पड़ता है तो मेरा खून 1 तोला जल जाता है, यही द्वेष है। इसका नाम द्वेष की आग है ये। और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसी का नाम राग है। ये राग है जो उसमें तुम चिपक गए हो। और राग भी अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी के मोह में अंधा होना, नफरत में अंधा होना, राग द्वेष में अंधा होना, ये बहुत खतरनाक है।